वेलकम टू माई चैनल। हेयर फॉल, हेयर रीग्रोथ, हेयर ग्रोथ, हेयर थिनिंग, डैंड्रफ, ऐसी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सभी कभी ना कभी तो फेस करते ही हैं, और इनको ठीक करने के लिए, इनको क्योर करने के लिए हम ना जाने क्या क्या ट्राई भी करते हैं। तो आज आपके साथ जो हेयर मास्क मैं शेयर कर रही हूँ, इसको बनाना भी बेहद आसान है और अप्लाई करना भी बहुत आसान है, और इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। आपको इसे वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करना है। शैम्पू करने से 2 घंटा पहले आपको अपने बालों में, अपने स्कैल्प पर बहुत अच्छे से मसाज करते हुए इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रखना है। 2 घंटे बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। आपको कंडीशनर नहीं करना है, क्योंकि ये आपको मार्केट वाले कंडीशनर से भी कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपके बालों को बनाएगा सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी, बाउंसी। और अगर आपको हेयर ग्रोथ या हेयर रीग्रोथ का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसे रात भर लगा कर रखें और नेक्स्ट डे शैम्पू करें। कितने सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनका स्कैल्प पैची हो जाता है, या फिर जहाँ से हम पार्टिंग करते हैं या फ्रंट एरिया से बाल कम हो जाते हैं, स्कैल्प नज़र आने लगता है। तो वो इसको वीक में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करना स्टार्ट करें। 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको उन पैची एरियाज़ पर न्यू हेयर ग्रोथ डेफिनेटली नज़र आने लगेगी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। बनाने के लिए मैंने लिया था 1 मीडियम साइज़ का प्याज, रेड कलर का, जिसको मैंने ग्रेट किया और उसके बाद मैंने उसका ये जूस निकाल लिया। तो कम से कम 5 to 6 टेबल स्पून ये जूस है मेरे पास, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्पून कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास नॉर्मल वाला कैस्टर ऑयल है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ब्लैक कैस्टर ऑयल है, जो कि मैं हेयर रीग्रोथ और ग्रोथ के लिए आपको हमेशा से सजेस्ट करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप उसे ऐड करें। और साथ में इसमें मिलाएं 1 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल। पहले इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करिए इसको, जिससे कि ये एक जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएं। और उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 स्पून भर के एलोवेरा जेल। आप कोशिश करें कि आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करें, और नहीं है तो मार्केट वाला भी किसी अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा जेल, कम से कम 99% प्योर एलोवेरा जेल इसमें ऐड करें। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करें, और जब ये एक थिक सी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, तो ये हमारा हेयर मास्क अप्लाई करने के लिए रेडी है। आप चाहें तो इसे बनाकर 1 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब चाहें अप्लाई कर सकते हैं।